सो हम लोगों का बहुत दिन से प्लान बन रहा था कि हम लोग घूमने के लिए जाएंगे। सो अभी दोपहर का 3 बज रहा है और हम लोग सब अभी फ्रेशन अप होके मतलब अच्छा। सो अभी हम दोनों का फ्यूलिंग चल रहा है, मेरा यहाँ पे अभी वेटिंग में है, वहाँ पे राजीव दा अभी टैंक फुल कर रहा है। सो हम लोगों का बहुत दिन से प्लान बन रहा था कि हम लोग घूमने के लिए जाएंगे कोई भी एक शॉर्ट डेस्टिनेशन में या तो कोई आइलैंड में जो कि यहाँ पे हम लोगों का आजू बाजू में है, तो एटलीस्ट 100-150 किलोमीटर का एक छोटा सा राइड हो जाएगा। छोटा नहीं, 100-150 थोड़ा सा लॉन्ग ही राइड हो जाता है। सो आज सारा दोस्त मेरा घर में है, सब लोग मिल के हम लोग जा रहे हैं हेनरी आइलैंड, जो कि बेसिकली मेरा घर से मतलब यहाँ से इसी डेस्टिनेशन से ऑलमोस्ट 108 किलोमीटर है, 111 किलोमीटर है। सो कम से कम उसका जर्नी टाइम जो है 3 घंटे का है। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं, मॉर्निंग का कितना हो रहा है, 5:10-15 कुछ हो रहा है। सो ऑलमोस्ट 10 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे, जितना हो सकता है खींचेंगे एंड कोशिश करेंगे जल्दी पहुँचने के लिए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, योर यूट्यूब चैनल नोमैड ट्रैवलर। सो अभी हम दोनों का फ्यूलिंग चल रहा है, मेरा यहाँ पे अभी वेटिंग में है, वहाँ पे राजीव दा अभी टैंक फुल कर रहा है। सो हम दोनों का फ्यूलिंग हो जाएगा, फिर हम लोग निकल जाएंगे स्ट्रेट हेनरी आइसलैंड के लिए। नाम बहुत अनशंड हो रहा है और बहुत कुछ हम लोग रास्ते में कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद शूट करने वाला हूँ सब कुछ। एक छोटा सा हम लोग जब अंडमान से आए थे वो टाइम में हम लोग का छोटा सा एक प्लान बना था कि हम लोग जब भी आएंगे एक छोटा सा राइड करेंगे, लेकिन आज जो हेनरी आइलैंड का जो प्लान बना है हम लोगों का 4 जन का, वो एक्चुअली सडन बना है। मतलब जस्ट 1 घंटा पहले प्लान बना है और हम लोग निकलने वाले हैं और अभी निकल भी गए। फ्यूलिंग सब कुछ हो गया, मेरा भी फ्यूलिंग कंप्लीट, उनका भी फ्यूलिंग कंप्लीट, थोड़ा सा मुंह में पानी वानी मार के सीधा पटा। सबसे अच्छा आज वेदर बहुत ही सपोर्टिव है, सुबह हम लोग 5:30 स्टार्ट किए और अभी ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर तक हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। वेदर भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्लेजेंट है, राइड के लिए तो मतलब बहुत ही अच्छा वेदर है। बोलो ये है रोड, पूरा मक्खन वाला रोड है एकदम, मतलब ये सब रोड में सिर्फ आप में एक जेडेक्स ट्रेनर होगा या तो BMW 1250 या तो 1300 ये सब होगा तो कोई फार के चल जाएगा, फार के मेरे आप में चले से नहीं फार के निकलेगा ये सब रोड कि भाई मक्खन पैटर्न रोड देखो, मक्खन ऊपर से वेदर देखो, माता अंदर सही में सुपेश्वर वेदर एकदम, मतलब पूरा स्मूथ निकल जाएगा गाड़ी। और हम लोगों का और कितना बचा है मालूम है, और 70 किलोमीटर बचा है, तो कम से हम लोग 40 किलोमीटर क्रॉस करके निकल चुके टोटल 11.1 किलोमीटर, मतलब 111 किलोमीटर उसमें से ऑलरेडी हम लोग 40 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं। मार्केट के बाहर एरिया देखो कितना अच्छा लगता है, कितना सेटिस्फेक्शन, तो अभी हुआ है 7:30 ऑलमोस्ट और हम लोग थोड़ा सा हॉल्ट किए ब्रेकफास्ट के लिए, अभी थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्टली हम लोग प्रोसीड कर देंगे यहाँ से। और कुछ 65 कुछ बचा है,
65 में और हाँ 65 तक कुछ बचा है, एक घंटा का रास्ता है। हम लोग प्रॉपर एक रश एरिया में घुस चुके हैं, तो अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत रश तो रहेगा ये जगह में, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट टाइम जो हो रहा है 10 बज रहा है, संडे है ऊपर से, तो संडे तो ये टाइम में थोड़ा सा तो भीड़ भाड़ रहेगा, क्योंकि सब मार्केटिंग करने के लिए, सब घर के लिए थोड़ा सा चिकन मटन थोड़ा सब्जी, क्योंकि संडे तो घर में सबका छुट्टी, अच्छा खासा खाना पकेगा, किसी किसी कोई कोई का मतलब रिलेटिव आएगा, ये वो बहुत कुछ रहता है अगड़म पगड़म, तो इसलिए आज तो थोड़ा भीड़ हो जाएगा। बोला थोड़ा सा पानी वानी मान लेते फेस पे, क्योंकि मेरे को इतना ज़ोर का नींद आ रहा है हम दोनों को। मैं लास्ट में उसको बोला ठंडा वाला पानी बोतल ले लो, थोड़ा फेस पे पानी मार देते फिर जाते, नहीं तो पूरा एकदम इधर उधर उथल पुथल हो रहा है। मेरे को नींद चाहिए, रात को प्रॉपर नींद नहीं होगा तो सुबह उठ के ऐसा ही चीज़ होने वाला है मेरे साथ। तो हम लोगों को पहुँचने में अभी बहुत देर है, लेकिन ये हम लोगों का जर्नी में एक पॉइंट है जो मेन मार्केट है और बहुत ही रश है अभी, क्योंकि पहले ही बोला मैं एक पिछला वाला मार्केट में हम लोग संडे था इसलिए वहाँ पे रश था, लेकिन ये तो मेन मार्केट है, वो सोच के देखो, अब देखने से ही पता चल जाएगा सब ट्रक से सामान वगैरह उतर रहा है, सब्जी वगैरह उतर रहा है, ये देखो अभी जैक फ्रूट उतर रहा है, तो ये सब कुछ मेन मार्केट है करके इतना कुछ सारा देखो वैन में ये में सब पूरा भर के है सब कुछ। तो देख रहा हूँ कि ये साइड में टोटो का फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, टोटो ये वाला बैटरी रिक्शा ई रिक्शा बेसिकली, इसका ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक चीज़ एनवायरमेंटल फ्री है, एक्चुअली पॉल्यूशन तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मैजिक शो दिखाता है, बरोबर मैजिक शो दिखा देता है ये लोग, फट 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 घूम जाएगा विदाउट एनी सिग्नल विदाउट एनी कुछ। और ये पुराना वाला गाड़ी, ये बैटरी वैन, ये बैटरी बोलता हूँ, ये वाला इंजन वैन है जो अभी पास किया ग्रीन कलर का, वो एक्चुअली एक इंजन वैन है। तो ये बचपन में हम लोग जब भी ये साइड में आते थे किसी रिलेटिव के घर में, या तो हम लोग नदिया साइड जाते थे मेरे नाना नानी के साथ, तो वहाँ पे ये वाला वैन मैंने बहुत बार यूज़ किया है। इसमें क्या होता है कि बाइक का इंजन लगा रहता है और बहुत ज़ोर चलता है वैन, फटफटी, एक्चुअली इसको फटफटी बोलता है, तो इसको जस्ट इंजन चालू करेगा और हाथ में गियर रहेगा, बाइक का इंजन रहेगा लेकिन गियर हैंडल हाथ तक रहेगा, तो एकदम फोर व्हीलर की तरह एक्सपीरियंस, लेकिन चक्का रहेगा तीन, तो एक अजीब किस्म का मतलब इन्वेंशन था बोल सकते हो लोकल लोगों के लिए। अभी तो चलो ये सब टोटो वोटो आ गया बैटरी का ये साइड में, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हाँ वो बैटरी वाला वैन थोड़ा दिखाई दे रहा है, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत एक दो दिखाई दे रहा है। ये देखो मैं अभी चार तो देख तीन तो देख ही लिया मैं, अभी एक पहले देखा फिर एक और अभी एक पास किया, तो तीन तो मेरा हिसाब पूरा गलत था, अभी और 26 किलोमीटर बचा है अभी भी, तो अभी सामने एक ब्रिज आएगा, वो ब्रिज क्रॉस करेंगे फिर हम लोग पहुंच जाएंगे बॉक्साली। तो अभी कितना दूर में वो ब्रिज है वो मेरे को पता नहीं, अभी भी स्ट्रेट दिखा रहा है, तो चलते रहो स्ट्रेट, चलते रहो चलते रहो। ये तो आ गया नाम खाना, अभी यहाँ से बॉक्साली रहेगा, हाँ मेरे को लगता है ये वाला ब्रिज, हाँ कंफर्म ये वाला ब्रिज, क्योंकि बचपन में जब मैं आया था तो वो टाइम में एक्चुअली ये ब्रिज नहीं था, वो टाइम में यहाँ पे क्या लेना होता, व्हीकल फेरी लेना होता था इस पार से उस पार जाने के लिए, और ये जो डिस्टेंस है ये 10 मिनट का व्हीकल फेरी लगता था सिर्फ, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अभी यहाँ पे ब्रिज बना दिया, तो ताकि ईजीली आप लोग ट्रांसफ़र हो पाओ यहाँ से वहाँ तक जा पाओ, और इसके लिए टूरिज्म भी बूस्ट हुआ, अच्छा बूस्ट हुआ,
क्योंकि वो टाइम में क्या होता है, व्हीकल फेरी का चक्कर में यहाँ पे आके वेट करो, वेट बोलना अच्छा खासा वेट करना पड़ता था, क्योंकि एक व्हीकल फेरी में तो 8-10 गाड़ी जा सकता, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता था, तो एक अच्छा खासा वेट करना पड़ता था। लेकिन अभी चलो ब्रिज बना दिया तो अभी तो और कोई टेंशन ही नहीं है, स्मूथ ईजी चलाओ और ब्रिज एंजॉय करो, ब्रिज एंजॉय करो। मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है ब्रिज में मैं चढ़ा हूँ, मेरा दोस्त के लिए भी शायद से वही फर्स्ट टाइम ही है, उसके लिए भी वो भी चढ़ा है फर्स्ट टाइम है ब्रिज पे। लेकिन मेरा जो और एक दोस्त लोग आया वो बोला कि इससे पहले आया है, अभी वो ब्रिज रहते टाइम आया कि नॉर्मल में आया, सामने जाके मिलेंगे बात करेंगे तो वो टाइम में पता चल जाएगा। लेकिन ब्रिज सही में बहुत अच्छा बना है, कैमन मानी तेरे भाई ब्रिज। ये देखो बारिश आ गया रे भाई, हल्का स्लाइड ड्रिजलिंग हो रहा है, स्लाइड ड्रिजलिंग हो रहा है। अगर ये जोर से होना शुरू हो जाएगा कैमरा पैक करेगा, सीधा मेरा जेब में घुसा देगा, बाहर तो रखने का कोई सीन ही नहीं है क्योंकि मेरे को अच्छा खासा फटका लगेगा। सही में बहुत अच्छा बना है ये ब्रिज, बहुत ही अच्छा। कल सोचता हूँ मैं सुबह सुबह जब निकलूँगा वो टाइम में अच्छा खासा एक टाइम लैप्स ले लूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैं स्टैंड लेके नहीं आया, तो स्टैंड लेके अगर आता था तो यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लैप्स ले पाता था, क्योंकि ये दो सारी समुंदर है तो ये एक छोटा सा कनेक्टिंग पॉइंट है, ये कनेक्टिंग पॉइंट को अच्छे से कनेक्ट किया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये चीज़ देख के मेरे को, सही में देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप लोग जो जो कोलकाता से मेरा ब्लॉग देखते हैं, आप लोग अभी ट्राई करो बॉक्सली आने के लिए, और आप लोगों को वेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोग प्रोसीड कर सकते हो। और यहाँ पे देखो बारिश हुआ है, ठीक है, पूरा गीला गीला होके रखा है रोड, इतना देर तक बारिश नहीं मिला, अभी यहाँ पे बारिश हुआ है। देख अनुभव मैंने बिस्टी हो जो भालो मत हो नहीं, पूरे भीजी आती जगह था, और ऊपर आसमान भी बादल दिखाई दे रहा है, आसमान में अच्छा खासा बादल है, थोड़ा बहुत नहीं अच्छा खासा ही बादल है आसमान। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं और जस्ट 14 किलोमीटर ही बचा है इसे। सो हम लोग का प्लान थोड़ा सा स्लाइड चेंज हुआ है, तो अभी हम लोग डायरेक्टली जाएंगे बॉक्सली, वहाँ पे रूम लेंगे, क्योंकि हेनरी आइलैंड के अगल बगल कहीं पे रूम नहीं मिला, तो बॉक्सली में रूम लेंगे एंड वहाँ से हम लोग आएंगे हेनरी आइलैंड पे, या तो बॉक्सली के वहाँ देखेंगे कुछ नया साइट सीन ओपन हुआ है कि नहीं, वो अगर ओपन हुआ तो वही एंजॉय करेंगे, अगर नहीं होता है तो हेनरी आइलैंड में आएंगे आगे एंजॉय करेंगे। तो अभी 9:30 बज रहा है और जैसा आधा घंटा मेरे को चाहिए, हम लोग पहुँच जाएंगे बॉक्सली, फिर होटल लेंगे एंड थोड़ा चिली मारेंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हम लोग कहाँ जाएंगे। तो अभी हम लोग डायरेक्ट होटल जाके ही मिलते हैं। सो फाइनली हम लोगों का चेक इन हो चुका है, अभी जस्ट नीचे राजदीदा गया है, वो चेक इन प्रोसेस सब कुछ कंप्लीट कर रहा है, उसको बहुत जोर का पॉटी लग गया है, मेरे को भी बहुत जोर का, कैसे भी करके हम लोगों को रूम मिल गया। ये रूम का भाड़ा हम लोगों से लिया 900, जो कि क्वाइट गुड एंड एसी देके विथ एसी। सो अभी थोड़ा हम लोग रेस्ट करेंगे एंड उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे बीच घूमने के लिए, अभी रेस्ट चाहिए पूरा बॉडी को। सो अभी दोपहर का 3 बज रहा है और हम लोग सब अभी फ्रेशन अप होके, मतलब अच्छा खासा नींद वींद मार के, फिर नहा वहा के पूरा एकदम कंप्लीट फ्रेशन अप, कल रात का जितना भी हैंगओवर था सब कुछ उतर गया। सो अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए और ये ब्लॉग को फिलहाल यहीं पे एंड कर देता हूँ एंड फिर से मैं शुरू करता हूँ। सो यहाँ तक अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने से मेरे को भी अच्छा लगता है तो कर दो।